आरजेडी के स्थापना दिवस पर पटना में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर मायावती और अखिलेश एक हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार तय। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2019 से पहले ऐसी स्थिति बन जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी ने आडवाणी के सपनों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चकित करता है। लालू ने मोदी को अघोषित तानाशाह करार दिया और कहा कि देश इमरजेंसी से भी खराब दौर से इस वक्त गुजर रहा है। यह इमरजेंसी ऐसा रूप लेने वाला है, कम नलियन फांसी फोर्सेस के द्वारा इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाया था वो बिल्कुल बिलीन हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इंदिरा जी का इमरजेंसी फिर कोई याद नहीं करेगा, जो देश का हालत बनाने जा रहे हैं और अघोषित और तानाशाही।